वेलकम टू वेबजीफाई इंस्टीट्यूट। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी फोटोशॉप की क्लासेस। तो आज आपकी फर्स्ट क्लास है, तो हम देख लेते हैं कि फोटोशॉप क्या होता है, वो कैसे काम करता है और उसका इंटरफेस क्या होता है। तो फोटोशॉप जो है वो एक एडोब कंपनी है, इसका सॉफ्टवेयर है। एडोब जो कंपनी है वो कई सारे सॉफ्टवेयर बनाती है, तो उन्हीं में से एक है फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप। तो हम जो सीख रहे हैं आज फोटोशॉप में, तो फोटोशॉप किस काम आता है, ग्राफिक एडिटर डेवलपर के काम आता है, चाहे वो वीडियो ग्राफिक हो या 3D ग्राफिक हो या फिर इमेज ग्राफिक हो। तो हम फोटोशॉप में जो है वो ग्राफिक सीखते हैं। फोटोशॉप जो है वो 1987 में थॉमस एंड जॉन नॉल ने बनाया था। तो फोटोशॉप का यूज़ जो है वो इमेज बनाने के लिए करते हैं और ग्राफिक बनाने के लिए करते हैं। ग्राफिक जैसे आर्टवर्क हो गया, क्लिप आर्ट हो गया, प्रिंट्स हो गए, पैटर्न्स हो गए, लोगो डिज़ाइन हो गए, तो ये सारे ही ग्राफिक्स हैं। अब जैसे फोटोशॉप में सारा काम जो होता है वो पिक्सल्स में होता है। तो एग्जांपल के लिए जैसे हमारी स्किन है वो छोटे छोटे सेल होते हैं, तो जो सेल्स होते हैं उन्हीं से हमारे उन सेल्स से मिलकर हमारी स्किन बनी होती है। तो वैसे ही फोटोशॉप में पिक्सल्स होता है। जब हाई लेवल में फोटोशॉप को जूम करते हैं, फोटोशॉप में जो कैनवास एरिया होता है जब हाई लेवल में उसे जूम करते हैं तो छोटे छोटे बॉक्सेस दिखाई देते हैं, तो वो होते हैं पिक्सल्स। तो फोटोशॉप जो है वो पिक्सल्स पर ही काम करता है। तो फर्स्ट प्रोसेस हमारा होता है कैनवास ओपन करना। जैसे बुक होती है, बुक में हम बुक ओपन करते हैं तो जो फर्स्ट पेज होता है, वैसे ही फोटोशॉप का फर्स्ट पेज होता है कैनवास। तो हम आ जाते हैं हमारी फोटोशॉप की स्क्रीन पर। तो अब हम सीखेंगे कि कैनवास कैसे ओपन करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कैनवास कैसे ओपन करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, जब भी आप फोटोशॉप ऑन करेंगे आप यहाँ पे नीचे देखेंगे, यहाँ पे जो ये हमारा फोटोशॉप का लोगो है, तो फोटोशॉप का ये हमारा लोगो है जिसपे PS लिखा हुआ है। तो फोटोशॉप जब आप ओपन करेंगे तो आपके जो लैपटॉप की जो स्क्रीन है उस पर आपका सबसे पहले ये वाला जो है ये वाला फेस खुलेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे PS लिखा हुआ है, PS के बगल में जो फाइल लिखी हुई है, आप फाइल पर क्लिक करेंगे। फाइल पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो उन ऑप्शन में जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है न्यू, इसमें हम क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे। न्यू पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक नया पॉपअप खुल जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है, तो ये न्यू का जो है एक पॉपअप ओपन हो गया है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे जो नेम है, यहाँ पर आप कोई सा भी नेम डाल सकते हैं। जैसे आप जो भी कैनवास क्रिएट कर रहे हैं उसमें आप जो भी नेम डालना चाहते हैं, अगर आप अनटाइटल 1 अभी लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे कोई यही नेम लिखना चाहते हैं, यही रहने देना चाहते हैं अनटाइटल 1, तो आप यहाँ पे यही रहने देंगे। अगर आप यहाँ पे अपना नाम लिखना चाहते हैं, जैसे आपका नाम भावना है तो हम यहाँ पे भावना भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कैनवास 1 लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो अभी हम इसका नाम भावना कर लेते हैं। तो हमने इसका नाम भावना कर लिया है। उसके बाद आप देखेंगे फाइल का जो नाम है वो हमने दे दिया है भावना। फाइल का नाम देने के बाद आप देखेंगे इसकी विड्थ और इसकी हाइट। तो जो इसकी विड है वो अभी यहाँ पे 15,000 by 15,000 दी हुई है। तो जब भी आप फोटोशॉप ऑन करेंगे, फोटोशॉप ऑन करने के बाद आप जब भी फाइल पे जाएंगे फिर न्यू पे क्लिक करेंगे, तो जो इसकी विड और इसकी हाइट है वो हमेशा कुछ ना कुछ दिए रहेगी। तो आप जिस जो उसकी विड रखना चाहते हैं, जो उसकी हाइट रखना चाहते हैं, आप जिस पे काम करना चाहते हैं आपको वहाँ पे वो एंटर करना है। तो जब भी आप ऑन करेंगे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो दिया होगा। तो अभी जैसे हम ले लेते हैं, इसका साइज लेते हैं 5000, जो कैनवास का स्टैंडर्ड साइज होता है वो होता है 5000 by 5000। तो अभी हमने इसकी विड्थ और इसकी हाइट ले ली है, 5000 ले ली है। तो अब हम आगे देखेंगे, फोटोशॉप में जो भी काम किया जाता है वो पिक्सल्स के अंदर और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं उसमें किया जाता है। जैसे फोटोशॉप में काम करने के लिए हाइट हमने इसकी विड्थ ले ली 5000, इसकी हाइट भी ले ली हमने 5000। अब आप यहाँ पर को देखेंगे एक और ऑप्शन आ रहा है हमारे पास पिक्सल्स, यहाँ पर को भी है पिक्सल्स। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आ रहा है पिक्सल्स, पिक्सल्स के नीचे आ रहा है इंचेस। आप देखेंगे हमारा जो स्केल होता है, स्केल में भी हमें दिए जाते हैं इंचेस दिए जाते हैं, सेंटीमीटर दिए जाते हैं, उसके बाद आता है मिलीमीटर, फिर आता है पॉइंट्स, ऐसे ही हमारे पास और भी हैं। तो आप देखेंगे हमें जो भी हम काम करते हैं फोटोशॉप में, तो हम पिक्सल्स में ही काम करते हैं, क्योंकि जैसे आप हमने अभी 5000 इसकी विड्थ और इसकी हाइट ली है, तो जब आप 5000 by 5000 की इसके विड्थ और हाइट का पिक्सल्स में लेते हैं, तो हम जब कैनवास क्रिएट करेंगे तो कैनवास क्रिएट करने के बाद जो हमारा कैनवास आएगा उसको आप अगर जूम करेंगे तो उसमें जो 5000 छोटे छोटे स्क्वायर शेप में बॉक्सेस बने होंगे, तो वो 5000 पिक्सल्स से बना होगा हमारा एक कैनवास जो है, ठीक है।
तो कैनवास हमने ले लिया, सॉरी हमने इसकी विड्थ ले ली 5000, इसकी हाइट भी ले ली 5000, और यहाँ पे हमने जो चूज करा है वो पिक्सल चूज करा है। आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप यहाँ पे इंचेस चूज करेंगे तो जो यहाँ पे विड्थ और इसकी हाइट है, इंचेस चूज करने के बाद वो उसकी विड्थ और इसकी हाइट को खुद ही इंचेस में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी हमने लिया था 5000 विड्थ और 5000 हाइट पिक्सल्स में। अभी हमने यहाँ पे इंचेस पे क्लिक करा है, तो आप देखेंगे इंचेस पे क्लिक करने के बाद जो हमने 5000 इसकी विड्थ ली थी और 5000 इसकी हाइट ली थी, उसको इसने खुद ही कन्वर्ट कर लिया है इंचेस में 16.667 में। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जैसे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर पे क्लिक करा, आपने देखिए हमने विड्थ में जो सेंटीमीटर है, जो हमने पहले विड्थ में पिक्सल्स था उसमें हमने अगर सेंटीमीटर पे क्लिक करा, तो हाइट में जो है वो सेंटीमीटर खुद ही हो गया है। तो अगर हम विड्थ में सेंटीमीटर लेंगे तो वो हाइट में भी सेंटीमीटर हो जाएगा, हाइट में अगर सेंटीमीटर लेते हैं तो वो विड्थ में भी खुद ही चेंजेस हो जाएंगे। तो हमने विड्थ में चेंजेस किए हैं, तो हमारा सेंटीमीटर लिया, तो आप उसका फिर से जो है वो साइज जो है आगे यहाँ पे देखेंगे वो खुद ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया है। अभी 42.33 होगी इसकी विड्थ और इसकी जो हाइट है वो भी 42.33 हो गई है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर कोई दूसरा चूज करते हैं, जैसे मिलीमीटर चूज करते हैं, तो उसमें भी यहाँ पर आप देखेंगे 423.33 हो गया है और जो हमारी हाइट है वो भी 423.33 हो गया है। तो फोटोशॉप में काम करने के लिए जो होता है वो रिक्वायरमेंट दी जाती है कि हमें कितने पिक्सल्स में चाहिए, या फिर इस हमें पिक्सल्स में चाहिए, इंचेस में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, या फिर मिलीमीटर में चाहिए, तो किस में चाहिए। तो अभी हम वापस से इसे पिक्सल्स में ही ले लेते हैं। 5000 पिक्सल्स हमने ले लिया है और यहाँ पे भी हमने विड्थ भी इसकी 5000 ले लिया है। कभी भी हम फोटोशॉप पे कोई काम करते हैं तो हमेशा हम पिक्सल्स में ही करते हैं, और जो इसका स्टैंडर्ड साइज होता है वो होता है 5000 हाइट इंटू सॉरी विड्थ इंटू 5000 हाइट। इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी रेजोल्यूशन। अभी हमने इसे पिक्सल्स में ले लिया है 5000 बाई 5000। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन क्या होती है, तो रेजोल्यूशन होता है जैसे हमारी आंखों का रेटिना, रेटिना ये कितनी दूरी तक और क्लियर देख सकता है। जो हमारी आंखों का रेटिना है वो बहुत दूर तक देख सकता है और क्लियर देख सकता है, ऊपर आसमान तक साफ देख सकता है। पर जितनी रेजोल्यूशन हमारी आंखों की होती है उतनी किसी चीज़ की रेजोल्यूशन नहीं होती है। जैसे कैमरा वगैरह होते हैं, फ़ोन के कैमरा होते हैं, DSLR होते हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन होती है, बट हमारी आंखों की जितनी रेजोल्यूशन होती है उतनी किसी भी कैमरे की या फिर किसी और चीज़ की रेजोल्यूशन नहीं होती है। और आगे हम देखते हैं जैसे रेजोल्यूशन जो है वो कैसे काम करती है। तो रेजोल्यूशन जो है वो प्रिंट की क्वालिटी को क्लियर दिखाती है। जैसे रेजोल्यूशन जो है वो हमेशा हम 300 लेते हैं या फिर 150 लेते हैं। अगर हम इसको 1 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं या फिर दूसरे में ले लेते हैं, तो फिर जो इसकी क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं आती। जैसे हम फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन हम कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं, तो फिर उसकी जो फ़ोटो क्वालिटी होती है वो उतनी अच्छी नहीं आती। अगर हम जूम करें तो जो फ़ोटो है वो थोड़ा सा फट सी जाती है, थोड़ा ब्लरी सी आती है। तो वैसे ही अगर हम इसमें जो रेजोल्यूशन लेते हैं, या तो 150 लेते हैं या फिर 300 लेते हैं, तो क्योंकि रेजोल्यूशन जो है इसकी क्वालिटी को क्लियर दिखाता है, इसीलिए जो इसका रेजोल्यूशन हम रखते हैं हमेशा 300 ही रखते हैं। अगर हम इसे 72 कर देंगे या फिर 1 कर देंगे, तो जो ये क्वालिटी है इसकी वो बहुत ज़्यादा ब्लरी हो जाएगी और छोटा हो जाएगा, तो ज़्यादा साफ नहीं दिखेगा। तो इसका जो बेसिक रेजोल्यूशन होता है वो होता है 150। अगर हम यहाँ पर 150 लिख दें, रेजोल्यूशन हम ले लेते हैं 150, तो जो इसका बेसिक है वो रेजोल्यूशन है वो 150 रेजोल्यूशन होता है, वो आप अपलोड कर सकते हैं कहीं पर भी। और जो इसका स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन होता है वो होता है 300। आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। तो इसका जो बेसिक है, बेसिक इसका रेजोल्यूशन 150 है, और इसका जो स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन है वो है 300। उसका रेजोल्यूशन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसे DPI भी बोलते हैं, रेजोल्यूशन के शॉर्ट फॉर्म को DPI भी बोलते हैं। जैसे हम इसके कई सारे और भी नाम हैं, जैसे रेजोल्यूशन बोल दिया तो भी हम यही बोलेंगे रेजोल्यूशन इसका ये 300 और 150। DPI बोलते हैं तो DPI एंड रेजोल्यूशन दोनों चीज़ें सेम ही होती है। तो DPI का फुल फॉर्म क्या होता है, DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। तो DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। तो रेजोल्यूशन काम करता है उसकी क्वालिटी को कितना क्लियर दिखाता है। रेजोल्यूशन का काम है कि जो भी हम कैनवास पे अगर कुछ कर रहे हैं,
अगर हमने कैनवास पे कोई भी ग्राफिक है हमारा या कुछ भी हमने काम किया, कोई भी पैटर्न या प्रिंट क्रिएट किया है, तो उसकी जो क्वालिटी है वो उसको कितना साफ दिखाता है और अच्छे से काम कर सकता है, उसकी क्वालिटी को साफ दिखाने का काम करता है। तो प्रिंटिंग के लिए जो है हम DPI हमेशा जो है मिनिमम 150 रखते हैं, या फिर मिनिमम जो इसकी DPI जो होती है वो 150 होती है, और प्रिंटिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं 300 यूज़, ठीक है। इसकी DPI मीन्स रेजोल्यूशन, ये वाली, इसको ही हम रेजोल्यूशन बोलते हैं, इसे ही हम DPI भी बोलते हैं। और DPI का जो शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म होता है वो होता है डॉट पर इंच, तो इसे ही हम 150 लेते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम जो लेते हैं प्रिंटिंग के लिए वो लेते हैं 300। तो ऊपर पिक्सल्स में तो जैसे यहाँ पर मैंने बताया, यहाँ पर अगर हम चेंज करते हैं इंच कर दिया, तो यहाँ पर हमें भी इंच करना है। अगर जैसे हमने यहाँ पर लिया है पिक्सल्स लिया है, तो हम यहाँ पर करेंगे पिक्सल्स इंचेस। अगर हम यहाँ पर सेंटीमीटर कर देते हैं, यहाँ पर हमने कर दिया सेंटीमीटर, यहाँ पर हो गया 42.33, तो वैसे हमें नीचे भी चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर हमने ऊपर पिक्सल में चेंज किया है तो हमें नीचे पिक्सल्स में भी चेंज करना पड़ेगा। अभी हमने यहाँ पे 300 पिक्सल इंचेस रखा है, बट अभी हमने यहाँ पर को सेंटीमीटर लिया हुआ है, अब हमने यहाँ पे सेंटीमीटर लिया हुआ है तो हमें नीचे भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पिक्सल इंचेस है और दूसरा है पिक्सल सेंटीमीटर, तो हम इसे सेंटीमीटर में ले लेंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे जो हमारा रेजोल्यूशन हमने लिया था 300, वो भी अब सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट हो गया है खुद। तो यहाँ पर हमने 300 लिया था, यहाँ पर हो गया 118.11, ठीक है। हमने ऊपर सेंटीमीटर में चेंज किया, हमने वेद और इसकी जो हाइट है उसको हमने पहले पिक्सल्स में लिया था, तो हमारा जो नीचे रेजोल्यूशन था वो था हमारा पिक्सल इंचेज में 300, और हमने यहाँ पर लिया था पिक्सल्स में, तो यहाँ पर था 5000 विद 5000 हाई, दोनों थे पिक्सल्स में, हमने लिए थे 300 DPI इसकी पिक्सल इंचेस में। फिर हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, हमने इसे कर दिया सेंटीमीटर में, तो जो हमारे जब हमने विद अपनी सेंटीमीटर करी तो जो इसकी हाइट थी वो खुद सेंटीमीटर में हो गई थी। उसके बाद हमने जो यहाँ ऊपर अगर हमने यहाँ पर चेंज किया है तो यहाँ पर को भी हम ले लेंगे सेंटीमीटर, तो अब जो हमारी विद और हाइट है वो सेंटीमीटर्स में है, और जो हमारी रेजोल्यूशन है मीन्स DPI है वो हमारी आ गई है पिक्सल सेंटीमीटर्स में, ठीक है। तो अभी तक हमने किया कि कोई पेपर है उसकी जो हाइट और उसकी जो विड्थ है और रेजोल्यूशन है ये कैसे करना है। अभी देखिए विड्थ हमने सीख ली, हाइट हमने सीख ली, इसको पिक्सल्स में रखने से सेंटीमीटर में रखना है, किस में रखना है, क्या चेंजेस होंगे ये हमने सीख लिए। और मैक्सिमम जब हम काम करते हैं हम जो फोटोशॉप का काम करते हैं वो सारा ही हम करते हैं पिक्सल्स में, तो यहाँ पर पिक्सल्स चूज़ कर लिया, यहाँ पर भी हम पिक्सल इंचेस चूज़ कर लेते हैं। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट आता है इसका कलर मूड, कि कलर मूड क्या होता है, जिस भी चीज़ पे हम जो कलर मूड होता है, अगर हम कुछ कर रहे हैं, हम प्रिंट कर रहे हैं या फिर हम कुछ पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, तो हम उस पर कौन सा जो है वो कलर चूज़ करेंगे, कलर मूड चूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास कई सारे जो हैं वो कलर मूड हैं, जैसे RGB है और CMYK है, ग्रे स्केल है, वैसे और भी हमारे पास यहाँ पर जो है वो कलर मूड हैं। तो जैसे अगर हम कुछ भी प्रिंट कर रहे हैं, कुछ भी हम यहाँ पे ग्राफिक अगर कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो उसका यहाँ पे हम कलर मूड चूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम जो हम यूज़ करते हैं वो हम RGB कलर मूड जो है वो चूज़ करते हैं। जैसे हम प्रिंट करते हैं तो फिर हम जो प्रिंट करते हैं उसमें कौन से कलर होते हैं, ब्लू होता है, रेड होता है, पिंक होता है, ऑरेंज होता है, पर्पल होता है, तो इन कलर्स को जो ऑप्शन होता है वो ये सब वहाँ यहाँ पर से हम चूज़ करते हैं। जैसे हमने RGB ले लिया, या फिर ग्रे स्केल ले ली, या फिर CMYK ले लिया, या फिर कोई और कलर लेना चाहते हैं हम, तो हमने वो ले लिया। तो जैसे अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट चूज़ किया RGB। मैक्सिमम हम जब फोटोशॉप में काम करते हैं तो हम मैक्सिमम RGB कलर मूड ही चूज़ करते हैं, कलर मूड में हम हमेशा RGB चूज़ करते हैं। तो RGB का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ग्रीन और ब्लैक। तो इसमें क्या होता है, जो भी हम इसमें कलर्स फिल करते हैं या जो भी हम इसमें ग्राफिक डिज़ाइन करते हैं उसमें जो कलर है वो रेड ग्रीन और ब्लैक से ही मिक्स होके नए कलर्स बनते हैं। तो रेड ग्रीन और ब्लैक कलर से ही मिक्स होके जो नए कलर्स बनते हैं वही इसमें हम यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम RGB चूज़ करते हैं। और मैक्सिमम काम जो होता है वो RGB से ही होता है और CMYK से होता है। तो सेकंड जो आता है वो आता है CMYK। अगर हम यहाँ पे कलर मूड जो छोटा सा एरो आप देख रहे हैं, अगर एरो पे क्लिक करते हैं उसके बाद आप दूसरा चूज़ कर लेते हैं, जैसे हमने चूज़ कर लिया CMYK, तो CMYK कलर मूड इसका क्या फुल फॉर्म है, तो C जो होता है वो होता है क्रेयॉन, M होता है मजेंटा, Y होता है येलो और K होता है की।
तो की कौन सा कलर है? ब्लैक कलर है. की जो ब्लैक कलर है उसके लिए यहाँ पे कीवर्ड भी यूज किया है. ठीक है, तो यहाँ पे को जो कीवर्ड है वो ब्लैक है और बाकी क्रेयॉन, मजेंटा एंड येलो है. तो इनसे भी जो ये फोर कलर्स हैं, क्रेयॉन, मजेंटा, येलो एंड की मीन्स ब्लैक, तो इन कलर्स को भी मिक्स करके नया कलर बनाया जाता है. तो जो वो नया कलर है उनसे ही हम बाकी भी कलर्स को, जैसे अगर कोई प्रिंट बना रहे हैं या कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, पैटर्न बना रहे हैं, ग्राफिक बना रहे हैं, तो उसमें हम नया ये डालते हैं, कलर डाल सकते हैं यहीं पर CMYK से. तो CMYK में भी ये फोर कलर मिलके नए कलर बनाते हैं. थर्ड आता है हमारा ग्रे स्केल. ग्रे स्केल क्या होता है? ग्रे स्केल होता है ब्लैक एंड व्हाइट. अगर आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं या फिर आप कुछ भी कर रहे हैं, कहीं पर अगर आप कोई डार्क कलर डाल देते हैं, रेड अगर डार्क डाल देते हैं या कोई सा रेड, ग्रीन, ब्लू, कोई सा भी डार्क कलर डालते हैं तो वो ब्लैक में आता है. अगर आप कोई सा लाइट कलर डालते हैं, जैसे लाइट पिंक डाल दिया या फिर वाइट कलर डाल दिया या फिर लाइट ग्रे कलर डाल दिया, तो वो वाइट कलर में आता है. ग्रे स्केल मीन्स होता है ब्लैक एंड वाइट कलर. तो जो डार्क कलर होते हैं वो उसमें ब्लैक में आ जाते हैं और जो लाइट कलर होते हैं वो उसमें आ जाते हैं वाइट में. और प्रिंटिंग के लिए हम मैक्सिमम जो यूज़ करते हैं वो हम करते हैं RGB और CMYK यूज़ करते हैं. और यहाँ पर आप देखेंगे 8-bit लिखा हुआ है. यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं. तो हमेशा हम जब काम करते हैं तो वो 8-bit में ही करते हैं. और जो बिट होती हैं वो आप देखेंगे हमारे पास 3-bit होती हैं. एक होती है 8, यहाँ पर लिखा हुआ आप देखेंगे 8-bit होती है. सेकेंड होती है 16-bit एंड थर्ड जो होती है वो होती है 32-bit. तो हमारे पास 3-bit होती है, 8-bit, 16-bit, 32-bit. तो हम इन तीन में से मैक्सिमम जो यूज़ करते हैं वो हम 8-bit यूज़ करते हैं. मैक्सिमम हमेशा यूज़ करते हैं, हमेशा हम 8-bit पे ही काम करते हैं. तो कैनवास ओपन करने में जो कलर होता है, कलर बैकग्राउंड, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है बैकग्राउंड कॉन्टेंट्स. यहाँ पे को अभी हमने वाइट चूज़ किया हुआ है. अगर आप कोई दूसरा कलर चूज़ करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर पर क्लिक करेंगे. यहाँ पर को अगर आप कोई दूसरा चूज़ करना चाहते हैं, तो जैसे ब्लैक करना चाहते हैं या फिर कोई दूसरा और कलर चूज़ करना चाहते हैं, तो आप दूसरा कलर लेंगे. यहाँ पे जैसे ब्लैक ले लिया, या फिर वाइट कलर का अगर आप कैनवास क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वाइट पर क्लिक करेंगे, वाइट ले लेंगे. या फिर अगर ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, यहाँ पर लिखा है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट आएगा. अगर वाइट पर क्लिक करेंगे, हमने वाइट पर क्लिक करा, वाइट पर क्लिक करने के बाद जो भी हमारा यहाँ पे कैनवास क्रिएट होगा, जो कैनवास क्रिएट होगा उसका कलर हमारा वाइट होगा. अगर हम ट्रांसपेरेंट पर क्लिक कर देते तो जो हमारा बैकग्राउंड का जो कलर होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, मींस उसमें कोई कलर नहीं होगा. ठीक है, वाइट पर करने पर वाइट आएगा, ट्रांसपेरेंट करेंगे तो उस बैकग्राउंड पर हमारे कोई कलर नहीं होगा, कलर आपने फिल करना होगा. और अगर बैकग्राउंड कलर चूज़ करते हैं तो यहाँ से आप दूसरा कलर चूज़ कर सकते हैं या फिर ब्लैक कलर फिल कर सकते हैं. इसमें अगर आप ब्लैक फिल करना चाहते हैं या फिर कोई दूसरा कलर इसमें आप फिल करना चाहते हैं. तो अभी हमने देखा इसकी वेब, इसकी वेब जो है हम हमेशा 5000 लेंगे. अगर हम जो स्टैंडर्ड इसकी जो वेद और हाइट होती है वो 5000x5000 पिक्सल्स में होती है. अगर आप दूसरा कोई काम करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसकी चेंज कर सकते हैं. जैसे अगर आपको कहीं से रिक्वायरमेंट मिली है कि आपको 15000x15000 में चाहिए, इसकी बिट आपको इतनी चाहिए, अगर इसका जो कलर मोड है वो आपको CMYK चाहिए या फिर RGB चाहिए या फिर ग्रे स्केल में चाहिए, तो आप तब उसे चेंज करेंगे. इसकी रेजोल्यूशन जो है हम वो 300 लेते हैं. इसकी DPI, रेजोल्यूशन मीन्स DPI जो है वो हम 300 लेते हैं. अगर आपको बोला है कि इसमें DPI इसकी चेंज करनी है तो आप इसकी DPI चेंज करेंगे. पिक्सल्स में अभी हमने लिया है, इसको आप पिक्सल्स में नहीं, इंचेस में या सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स किसी और में लेना चाहते हैं तब आप इसको चेंज करेंगे. वरना मैक्सिमम जो हम काम करते हैं वो हम करते हैं पिक्सल्स, इंचेस में. कलर मोड हम जो मैक्सिमम इसका चूज करते हैं वो करते हैं RGB कलर मोड. और इसकी बिट जो है हम हमेशा 8-bit में रखते हैं. ये सब आप नोट करना चाहते हैं आप नोट कर सकते हैं. और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम हमेशा लेते हैं वाइट में. ठीक है, तो ये सब अभी हमने देखा. नेम यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप नेम कोई दूसरा डालना चाहते हैं नेम चेंज कर सकते हैं, वरना आप कैनवास 1, कैनवास 2, कैनवास 3 ऐसे करके डाल सकते हैं. इतना करने के बाद आप यहाँ पे ओके लिखा है, ओके पर क्लिक कर लेंगे. ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका जो कैनवास है वो आपके पास ओपन हो जाएगा. जो भी अभी आपने देखा, आपने अभी किया, चूज़ किया, आपने उसका कलर हमने वाइट चूज़ किया था तो वाइट आ गया. उसकी हाइट और उसकी वेद हमने 5000 रखी थी, तो ये 5000x5000 का हमारा जो है कैनवास रेडी है. इसमें अगर आप इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं तो आपको इसमें छोटे छोटे बॉक्सेस दिखाई देंगे. अगर अभी हम इसमें करते हैं, जैसे कंट्रोल प्लस करेंगे तो ये जूम हो जाता है, कंट्रोल माइनस करेंगे तो जो इसका साइज़ है वो कम हो जाता है.
ठीक है, अभी जो हमने कैनवास हमारा लिया है, कंट्रोल प्रेस करने पे इसका साइज बढ़ जाता है और कंट्रोल माइनस करने पे इसका साइज है वो कम हो जाता है, और कंट्रोल जीरो करेंगे तो ये अपने जो इसका साइज है, जो इसका एक्चुअल साइज है उसमें आ जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे जब हमने एक बैकग्राउंड लिया तो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारी फर्स्ट लेयर जो है वो क्रिएट हो गई है। तो ये हमारा बैकग्राउंड है, अभी आपने इसको क्रिएट किया था 5000x5000 पिक्सल्स पे। अभी हमें चेक करना है कि हमने 5000x5000 का ही बनाया है या दूसरा बनाया है। तो हम इसको चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आपने फाइल पे गए थे, फाइल पे जाके आपने न्यू पे क्लिक किया था, न्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये सब ऑप्शंस आए थे, आपने इन्हें फिल किया था। तो उसके बाद आप फाइल के बगल में एडिट फिर इमेज, आप इमेज पे जाएंगे, इमेज पर क्लिक करेंगे। इमेज पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर को हमारा लिखा हुआ है इमेज साइज, इमेज में ही 6 नंबर पे आपका लिखा हुआ है इमेज साइज, इमेज साइज पर आप क्लिक करेंगे। इमेज साइज पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो इमेज अभी हमने खोली है, मीन्स जो हमारा कैनवास ओपन हुआ है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि हमने उसकी विड्थ कितनी लिया है, उसकी हाइट कितनी लिया है, पिक्सल्स में लिया है या इंचेस में लिया है, उसकी जो हमने DPI ली है रेजोल्यूशन, ये रेजोल्यूशन उसकी DPI जो है हमने कितनी ली है, और हमने उसे पिक्सल इंचेस में लिया है या सेंटीमीटर में लिया है। यहाँ पर को देखेंगे ये विड्थ हमारी 5000x5000 है, पिक्सल्स में है, ये हमारा यहाँ पे दिख जाता है, इसकी रेजोल्यूशन कितनी है ये दिख जाता है, हमने यहाँ पर को इसकी जो हाइट है ये देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में भी दिखाई दे रही है कि सेंटीमीटर में इसकी विड्थ कितनी है और सेंटीमीटर्स में इसकी हाइट कितनी है। अभी हमने जो लिया है वो लिया है हमने 5000x5000 का पिक्सल्स में लिया है, और इसकी जो रेजोल्यूशन ली है वो हमने ली है 300 और पिक्सल इंचेस में लिया है। तो ऐसे यहाँ पर को आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो इमेज का साइज लिया है वो कितना है। ओके पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे हमने यहाँ पर से हमारा चेक करा था इमेज साइज़ कि हमारा जो इमेज का साइज़ है वो कितना है। वैसे ही अगर आप कोई न्यू ओपन करना चाहते हैं, जैसे आपको कोई आपकी गैलरी में कोई अगर इमेज है, आपका कोई प्रिंट है या ग्राफिक है, आप उसको यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं, तो आप वापस से यहाँ पर ओपन पर जाएंगे और उसे ओपन करेंगे। तो ये हम सीखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।